चैनल। टुडेज वीडियो इज अबाउट हेयर कर्लिंग ट्यूटोरियल, जो कि एक दिस इज अ गिफ्ट टू मी बाय मी। सो इस हफ्ते यानी कि दिस मंथ इज गोना बी माय बर्थडे, सो मैंने खुद के लिए ही गिफ्ट ले लिया एंड ये मुझे लेना ही था काफी टाइम से, एंड ये मुझे मैंने इसको पाकर बहुत बहुत खुशी हुई। सो मैंने ये क्रिसमस से पहले ही ले लिया था, तो ये क्रिसमस गिफ्ट कह लो, न्यू ईयर गिफ्ट कह लो और बर्थडे गिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने हेयर कर्ल्स कैसे किए हैं। बट बिफोर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूल जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, ब्यूटीफुल। तो मैंने ये एक टूल की हेल्प से किए हैं, मैंने इससे पहले कोई भी हेयर टूल यूज नहीं किया कर्लिंग के लिए, तो मैं उतनी अच्छी कर्लिंग में नहीं हूँ। सो इस तरह से हुए हैं ये, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा टूल है। सो मैंने लिया है ये अगारो का हेयर कर्लर एंड ये सेरेमिक कोटेड के साथ आता है एंड ये 10 mm बैरल है। सो ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यस ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड ये इट कम्स विद 2 years वारंटी ऑल्सो। एंड मैंने ये लिया था नायका से, नायका पे बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी, यानी कि हॉट पिंक सेल मैंने ये लिया है हॉट पिंक सेल में। तो इसके प्राइस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस तो बहुत अच्छे से बहुत कम में मिल ही गया होगा, मतलब तो प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले आप देख लें कि मैंने इसको कैसे कर्ल किया है। हेयर को कर्ल करने के लिए मैंने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया और एक साइड मैंने क्लस्टर लगाया है ताकि दूसरे साइड के बाल बीच में ना आए और इससे इजी रहता है कर्ल करना। सो मैंने बैक साइड से एक स्मॉल सेक्शन लिया है एंड जो इतना लिया उसका भी मैंने आधा कर दिया था, क्योंकि जितना कम लेंगे उतना ईजी हो जाएगा। सो ये रेड लाइट जल गया यानी कि ये ऑन है एंड मैंने 5 to 10 seconds वेट किया था, बिकॉज विंटर से थोड़ा हीट होने में टाइम लगता है बट समर्स में जल्दी हो जाता है। एंड इस तरह से वॉन्ड पे रैप करना है हेयर को, जितना आप लेना चाहें उतने बाल रैप कर सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा देर वेट करेंगे उतना ज़्यादा कर्ल होगा और जितना कम वेट करेंगे उतने कम होंगे। सो इससे अलग अलग तरह के कर्ल्स आप इजीली कर सकते हैं। मैंने पहले आउटर कर्ल्स किए थे, अब मैं इनर कर्ल्स कर रही हूँ यानी कि अंदर की तरफ लपेट रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 10 seconds और या फिर 8 seconds वेट किया था एंड देख सकते हैं आप कितने अच्छे कर्ल्स हुए हैं, अच्छा लग रहा है ना। सो इसी तरीके से मैंने सारे बालों को ऐसे ही रैप कर करके, स्मॉल सेक्शन रैप कर करके सारे बालों को कर्ल कर लिया। जितना स्मॉल लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और इजी भी रहेगा कर्ल करना, और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। सो ये ऑलरेडी सारे कर्ल्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो अब दिखाते हैं फाइनल लुक। प्रोडक्ट जो कि है 10 mm बैरल हेयर कर्लर ये है, तो इट कम्स विद बबल रैप पैकेजिंग, ये पूरा ऐसे पैक होके आया था एंड इसकी कॉर्ड भी ऐसे पैक होके आई थी और काफी अच्छी खासी लंबी कॉर्ड है इसकी, फैंसी बहुत अच्छी खासी लंबी कॉर्ड है। ज्यादातर प्रोडक्ट में इतनी लंबी कॉर्ड मिलती ही नहीं है, बहुत छोटी सी तार दे देते हैं, उसके साथ बोर्ड के साथ चिपक के कर लो तुम, ऐसी तार दे देते हैं। तो जो इसमें है गया, इसमें काफी अच्छी चीज है एंड इसमें इन्होंने 360 डिग्री जो ये स्वाइवल कॉर्ड बोली है वो एक्चुअली है एंड ये बहुत लाइट वेट है एंड इसके साथ ये ऑन ऑफ का बटन आता है, इस तरह से ऑन हो जाएगा और इस तरह से ऑफ हो जाएगा। मैं आपको साइड में जो मैंने हेयर ट्यूटोरियल किया उसमें आपको दिख जाएगा। एंड ये है 10 mm बैरल कॉर्ड, सॉरी कर्लर,
तो ये इस तरह से आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये जितना टाइट करेंगे उतना टाइट कर्ल हो जाएंगे। जिसको अच्छे से करने आते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेगा। एंड इसने कूल टच टिप बोला है, इसके बॉक्स पे सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर अप टू 180 डिग्री सेल्सियस, पावर एलईडी इंडिकेटर, 360 डिग्री स्वाइवल पावर कॉर्ड एंड कूल टच टिप, तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। एंड उसके अलावा जो इन्होंने नहीं बोला, ये सुपर सुपर लाइट है, बहुत हल्का है। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, हम करते करते इतने थक जाते हैं कि हमारे बालों को देखने की ज्यादा खुशी से ज्यादा हमारे हाथ को दर्द होने का दुख हो जाता है। तो ये एक्चुअली है। एंड इसको ये कूल टच टिप है, इसको करते वक्त भी अगर इस पे भी अगर गलती से थोड़ा टच भी हो जाए ना तो आपको बिल्कुल भी बर्न नहीं होने वाला। ये एक्चुअली कूल टिप है, ये तो बिल्कुल ही कूल रहता है, आपको बिल्कुल भी जलन नहीं लगेगी। अभी तो विंटर्स है तो इतना ज्यादा नहीं लग रहा, मे बी समर्स में थोड़ा बहुत हो, बट आप इसको केयरफुली कर सकते हैं। बट ये मुझे सबसे अच्छी चीज में ये लगी कि ये बहुत ज्यादा हल्का है और बहुत ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली हो सकता है इसी वजह से, एंड सुपर हैंडी है। सो आई जस्ट लव दिस। एंड ये मेरा फर्स्ट टूल है तो मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद आया, एंड दिस इज परफेक्ट गिफ्ट फॉर मी। सो मैंने सबसे अच्छा गिफ्ट, मुझे लगता है कि मैंने खुद के लिए एक अच्छा गिफ्ट ले लिया है। सो अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ, इसके प्राइस के बारे में। तो जो इसका एमआरपी है, एमआरपी से 995 यानी अराउंड 1000 रुपीज, 995 के अराउंड एमआरपी है। एंड जो मैंने इसको लिया है वो है 30% में, 30% ऑफ पे, यानी के 30% ऑफ के बाद मुझे ये मिला 700 रुपीज का। सो 700 रुपीज का इसलिए मिला क्योंकि नायका की हॉट पिंक सेल चल रही थी, एंड नायका में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं। तो जिसको भी चाहिए वो अपने विश लिस्ट में रखना, और जब भी कोई भी सेल आए तो इसको जरूर लेना। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। फिलिप्स के बहुत महंगे आते हैं, वेगा का भी बहुत महंगा ही आता है, और शायद से मैंने लिया तो नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत जल्दी कर्ल्स करता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके शॉर्ट हेयर है उसके लिए तो 10 से 15 मिनट भी काफी होंगे, शायद ज्यादा ही होंगे, बट जिसके लंबे हेयर है उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, जिसको नहीं आ रहा उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, जैसे कि मुझे लगा था। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत मस्त प्रोडक्ट है, डेफिनेटली बाय इट, हाईली हाईली रिकमेंडेड। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आप भी बैठे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगी एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।